साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। हमारे चैनल रक्षा से रक्षा, ज्ञान एंड नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं ये मोरपंखी के सुंदर पौधे हैं, और इसको मोरपंखी तो कहा ही जाता है, अति प्राचीन नाम है, पौराणिक नाम है इसका। इसको थूजा भी कहते हैं और बच्चे लोग इसको विद्या की पत्ती भी कहते हैं। ये तो नाम सुनकर आप लोग जान ही गए होंगे कि कापी किताबों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए एक ये टुटका है, और ये सभी जगह पूरे भारत में तो चलता ही है, और भाई विदेशों में चलता हो तो उसकी जानकारी नहीं, लेकिन भारत के बच्चे तो इस आकर्षण से बच के रह नहीं सकते। और इसके पौधे के आकर्षण और इसकी सुंदरता से कोई भी नहीं बच सकता है। ये इतने सुंदर होते हैं और इनके पत्तों में इतनी सुंदरता होती है कि सामने आप देख लीजिए। और ये इनको वास्तु और शुभता की दृष्टि से पेयर में ही लगाना शुभ माना जाता है। दो दो गमलों में लगाइए साहब, और इनको अपने गेट के सामने रखने की एक परंपरा है। और कहीं भी रखिए, और किसी भी पार्क में या कहीं भी, ये इनकी सुंदरता तो अपने आप में निराली होती है। और किसी भी तरह से कटिंग करके इसको लैंडस्केप रूप में कोई भी सुंदर रूप आकृति भी दे दी जाती है। कोई मोर बना देता है, बतख बना देता है, और विभिन्न रूपों में इसकी कटिंग भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत हार्डी पौधा है। किसी भी तरह से इसको काटिए, किसी भी तरह से इसको लगाइए, ये एक बार लग जाए बस। थोड़ी सी इसकी रख रखाव में सावधानी ये है कि इसकी मिट्टी कभी पूरी तरह सूख ना पाए, उसमें मॉइस्चर अवश्य बना रहे। आप हमारे गमलों में देखिए, गमलों में इतना मॉइस्चर अवश्य बना रहे। अगर इसकी मिट्टी सूख गई तो आप ये समझिए कि इसकी पत्ते की जो डंडियां हैं वो काली पड़ जाएंगी। और अगर आपने इसकी पहचान है, अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया, जैसे नमी ज़्यादा हो गई गमले में या ज़मीन में जहाँ भी लगे होंगे, तो इसके पत्ते नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ये इससे दर्शा देता है कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है इसकी जड़ों में। और अगर आपने उस समय इसकी तत्काल गुड़ाई नहीं की या इसको सूखने का मौका नहीं दिया और पानी से पानी ज़्यादा करते रहें, तो ये सूख जाएगा। फिर ये सूख जाएगा। और इसी तरह पानी अगर कम है तो भी ये 10-15 दिन तो बियर कर लेता है, लेकिन फिर इसके बाद ये सूखने लगता है। एक दूसरी चीज़ यह है कि किसी भी तरह की धूप ये बर्दाश्त कर लेता है, और अगर आप इंडोर में भी ये चल जाता है, लेकिन फिर भी आप ऐसी जगह रखें जहाँ इसको धूप प्राप्त होती रहे। अगर इसको धूप प्राप्त नहीं होगी तो इसके पत्ते सूख के गिरने लगते हैं, और इसका प्रोपोगेशन बीज से भी हो जाता है और कटिंग के द्वारा भी हो जाता है। कटिंग देखिए, ये कटिंग इस तरह से जो पेंसिल के बराबर हो गई हो, ये देखिए, ये इस तरह की ये कटिंग है। बस अब बरसात का सीज़न चल रहा है, इसको कटिंग को आप यहाँ तेज़ धारदार चीज़ से काट के और कोई हार्मोन्स या शहद या एलोवेरा लगा के और लगा दीजिए। और इसकी जो छोटी कटिंग अगर आप बनाएं पत्ती वाली, ये इस तरह से, वो ज़्यादा जल्दी लग जाती है। हमने लगा के देखा है कि ये इस तरह की कटिंग आप बनाएं तो वो जल्दी लग जाती है, बशर्ते हार्ड कटिंग के। और ये देखिए, इसके बीज तैयार हो रहे हैं। ये बीज आते हैं, ये अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। अक्टूबर में ये फट जाते हैं अपने आप, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फटें उससे पहले आप इनको कलेक्ट कर लें। जैसे सेब का बीज होता है, उसी तरह से इसका भी बीज होता है, तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए और फिर फरवरी में उसका प्लांटिंग कर दें, तो बहुत आराम से उग भी आता है। तो इस तरह से ये पौधा लग जाता है। और इसका पौराणिक महत्व भी है कि भगवान कृष्ण से भी इसका पौराणिक रूप से संबंध है, तो ये शुभता का प्रतीक है। और इसे ज़रूर घर में, अपनी बगिया में अवश्य इसको लगाना चाहिए। और इसका आकर्षण भी देखिए आप सामने कितना अच्छा है, हरा एकदम ग्रीनिश, बहुत ही सुंदर ताका ये निराला अपने आप में अनूठा वो है।
और ये देहात में, शहरों में, बड़े बड़े पार्कों में, होटल्स में, सभी जगह आपको मिलेगा और सुंदर आकृति में मिलेगा। और इसको शेप भी दे दें आप, लंबे रूप से बना दें, चाहे गोल बॉल के रूप में भी बना सकते हैं कटिंग करके, क्योंकि कटिंग पिंचिंग इसको पसंद भी है। पिंचिंग से फिर इसके और अच्छे हरे पत्ते निकलते हैं। और इसका जो मिट्टी है वो मिट्टी में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें, और महीने में एक दो बार दो चम्मच इसको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मतलब देख लें आप, कंपोस्ट अच्छी हो, पकी हो, या ना हो कच्चा आप डाल दें तो इसकी जड़ें ख़राब कर देगा वो। और विशेष कोई कीड़े भी नहीं लगते इसमें, कभी चींटी ईटी लग जाती हैं तो जब भी आप पेस्टिसाइड अपने अन्य गमलों में करें तो इसमें भी कर दें, और आनंद लें साहब पौधों का। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे उत्साहवर्धन हेतु हमारा साथ कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू।